हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। आपके थ्योरी एग्जामिनेशन अभी आप दे रहे हैं, थ्योरी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, यानी कि जो जो सब्जेक्ट्स में आपके लैब्स हैं, प्रैक्टिकल हैं, उनका एग्जाम होगा, तो उस बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। सो बताते हैं बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उनमें आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सो मेनली इस वीडियो में एज पर AKTU मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं प्रैक्टिकल के, वो मैं बात करूँगी, लेकिन फिर भी अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी सिमिलर पैटर्न होता है लगभग। तो जैसे आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, जो सेशनल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे थ्योरी का सेशन होता है तो उसी के अनुसार ही, यानी कि ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम भी, तो उसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो एज़ पर AKTU, आई एम टॉकिंग अबाउट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, सो इसमें मेनली यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ BP107P ह्यूमन एनाटॉमी एंड BP108P फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, BP109P दैट इज फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल, BP110P फार्मास्यूटिकल इन्वॉल्विंग केमिस्ट्री, BP111P कम्युनिकेशन स्किल्स एंड BP112 RBP दैट इज फॉर रिमेडियल बायोलॉजी। तो अगर हम कोर्स को ना देखें तो यही लगभग सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लैब अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी, इन्हीं सब्जेक्ट्स की लैब जो होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम उन्हीं इन्हीं सब्जेक्ट्स का होता है। सो इन द केस ऑफ रिमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देना होगा जिन्होंने मतलब 12th में मैथ लिया था और वो अभी बायो पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ये तो आपको पता ही होगा, मैं पहले भी कई वीडियो में इस बारे में बात कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे इन्होंने इंटरनल जो प्रैक्टिकल है या इंटरनल जो एग्ज़ाम है उसका, इन्होंने कंटिन्यूस मोड में, यानी कि कंटिन्यूस मोड का यहाँ पर मतलब है कि एज पर योर, आप कह सकते हो जो आपका लैब का नोटबुक है, जो आपका लैब फाइल है, उसके अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग टीचर्स मार्क्स देते हैं आपको। तो वो 5 मार्क्स डिसाइड किए हैं यूनिवर्सिटी ने, 5 मार्क्स इज इन कंटिन्यूस मोड और 10 मार्क्स का यहाँ पर सेशनल एग्ज़ाम यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम है। तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15, तो 15 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है, इंटरनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स है। तो उसमें से आप कितना आपको मार्क्स आता है, आपको 10 आता है या फिर आपको 15 या फिर 12, 13 जितना भी आता है वो ऐड होगा। एंड सेमेस्टर मार्क्स जो है, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दैट विल बी ऑफ 35 मार्क्स, 35 मार्क्स का होगा वही क्वेश्चन आपको सिर्फ इसमें जो डिफरेंस होगा, जैसे कि आपका एक्सटर्नल सेंटर गया होगा, आप किसी दूसरी जगह पे, इन द केस ऑफ AKTU आप दूसरे सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा होगा कि आपको कॉलेज में ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें देयर विल बी अ सिनॉप्सिस क्वेश्चंस होंगे आपको थ्योरी पार्ट से, या फिर आपको प्रैक्टिकल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट विल बी आइदर ऑफ 1-1 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करेगा ये, या 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं 1-1 मार्क्स के। उसके लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, मे बी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो 10 अगर क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए 15 मिनट्स आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे एक सिनॉप्सिस का पार्ट होगा, देन विल बी मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट, कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है, लेकिन AKTU में अधिकतर मेजर वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, सेकंड वन इज़ माइनर। मेजर थोड़ा आपको ज़्यादा उसमें स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा मार्क्स का भी होता है वो, और माइनर वन इसमें कम स्टेप्स होते हैं और वो कम मार्क्स का भी होता है। देर विल बी 2 एक्सपेरिमेंट जो आपको परफॉर्म करने होंगे लैब्स में ड्यूरिंग योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल। देन देर विल बी सम मार्क्स फॉर योर रिकॉर्ड जो आप लैब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो आप फाइल प्रिपेयर करते हैं लैब की, उसके लिए कुछ 5 मार्क्स वहाँ पे डिसाइडेड होते हैं, वो आपको दिए जाएंगे। आपका फाइल चेक किया जाएगा, इधर वो प्रॉपरली साइंड है टीचर के द्वारा या नहीं, जो आपका लैब कराते हैं टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उन्होंने उसको प्रॉपरली चेक किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, आपने ठीक से उसको कवर और नेम स्लिप वहाँ पे मेंशन है या नेम मेंशन है या नहीं, आपने जो फर्स्ट उस पर सर्टिफिकेट होता है कि आउट ऑफ कितने एक्सपेरिमेंट में से आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं
वो सब चीज़ें मेंशन है या नहीं है, या इंडेक्स आपका कंप्लीट है नहीं, ये सब चीज़ें को देखते हुए आपको वहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे आपका फाइल रिकॉर्ड के बेसिस पे। एंड लास्ट विल बी द पार्ट ऑफ वाइवा, आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम। कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे और दे विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू, बैच वाइज पूछेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इन द केस ऑफ AKTU, AKTU एफिलेटेड दूसरे कॉलेज से एग्जामिनर्स आते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और वो आपको मार्क्स देते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर होता है आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स के बारे में, अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली ये होती हैं कि आपको जब आप वाइवा के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, आपने जो कॉपी में एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, ठीक है, जो आपने अपने एग्ज़ाम कॉपी में एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, वहाँ आपको वो पूरा प्रोसीजर आपको याद होना चाहिए। आपको पूरा प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है तो आपको ऑटोमेटिकली याद ही होगा वो, और कितनी क्वांटिटीज़ में आपने चीज़ें ली और क्या प्रोडक्ट, अगर इन द केस ऑफ आप प्रोडक्ट को अगर पॉलीबैग, जैसे फार्मास्यूटिक्स के केस में पॉलीबैग में बोतल में हम उस प्रोडक्ट को रखते हैं, उस पर लेबल हम लगाते हैं, तो वो प्रोडक्ट का जो आपका जो प्रिपरेशन है उसको भी आप एग्जामिनर के सामने ले जा सकते हो, उसको दिखा सकते हैं, आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं। लेकिन आपको वो क्वांटिटीज़ में मालूम होनी चाहिए जो आपने ऐड की हैं, आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और जब आप बैच वाइज आते हैं, इवन दो दो के बैच में अगर एग्जामिनर आपको बुलाते हैं, या तीन के बैच में, चार के बैच में, जितने भी कैंडिडेट उस बैच में होंगे, तो ट्राई वन थिंग कि अगर क्वेश्चन जिस कैंडिडेट से पूछा गया है वही आंसर करें, ना कि आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप उसकी जगह पे आप आंसर करें। दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है, एग्जामिनर स्टार्ट टू आस्क यू, ठीक है, वो फिर आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्राई दैट कि उन फर्स्ट कैंडिडेट ने अगर नहीं बताया है वो आंसर, तो तब आप से अगर पूछा जाता है तो अब आप बताएं, पहले ही ना बोलें, वो गलत चीज़ है थोड़ा। एंड आपने जो एग्ज़ाम दिया है, जैसे थ्योरी एग्ज़ाम अभी हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, जो थ्योरी एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस थे उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, तो दैट इज़ नॉट डिसाइडेड, इट इज़ टोटली अप टू द एग्जामिनर कि वो कितने क्वेश्चन आपसे करते हैं, क्या दो क्वेश्चन करते हैं, या ज़्यादा टाइम ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ये एग्जामिनर पे ही डिपेंड करेगा। और बस आप एक डेफिनेशन, कंप्लीट सिलेबस में डेफिनेशंस जो हैं वो आपको, जब आप थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तो लगभग कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ते ही हैं, तो वही चीज़ें आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है। सिलेबस में एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, दे आर नॉट गोना टू आस्क अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कि पूरा उसको डिस्क्राइब करो या कुछ है, वो सब कुछ की वर्ड्स या की क्वेश्चंस की आंसर्स का उम्मीद आपसे रखते हैं कि हाँ एक शॉर्ट ब्रीफ में उनको चीज़ें बता पाएँ। तो वो आपका वाइवा होगा। एंड जो अगर हम बात करें आपके मेजर एंड माइनर एक्सपेरिमेंट्स की, तो आपका जो बी फार्मा का सिलेबस है, आप AKTU की साइड से या अपनी यूनिवर्सिटी की साइड से आप उसको ले सकते हो, और उसी थ्योरी सिलेबस के साथ ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स का भी सिलेबस मेंशन होता है, उसमें मेंशन होते हैं सारे प्रैक्टिकल्स। तो आप एक बार ओवरव्यू आप ले लें प्रैक्टिकल्स का, आप ये देख लें कि किस प्रैक्टिकल में स्टेप्स कम हैं, जिस प्रैक्टिकल में स्टेप्स कम होंगे तो वो प्रैक्टिकल माइनर की कैटेगरी में जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो रखते हैं, वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो जो थोड़ा लेंथी होता है, जिसमें स्टेप्स ज़्यादा होते हैं, उसमें आइसिंग करनी होती है या फिर हमको कई स्टेप्स इन्वॉल्व करने होते हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो उस प्रैक्टिकल को जब का सब्जेक्ट टीचर है वो घोषित करते हैं कि वो मेजर वाले में रखें। इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा और सभी प्रैक्टिकल्स का एक बार प्रोसीजर आप देख लीजिएगा और उनमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सी ये भी देख लीजिएगा। एंड रिमेनिंग थिंग्स आपके फैकल्टी मेंबर्स ने भी आपको बताई होंगी। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर दैट, जब आप लैब में वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, तो हम जनरली वैसे भी हम जब लैब में होते हैं वी मस्ट वियर एप्रन, तो जब एप्रन हमको पहनना चाहिए, अलाउड भी नहीं होता है लैब में उसके बिना एंट्री करना। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर विजिट करें लैब को कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, मे बी इन सम केसेस करते हैं कभी कभी विजिट, तो प्रॉपरली आप पूरा आप एप्रन वगैरह आप पहने हुए हो, अगर कोई केमिकल का, इन द केस ऑफ केमिस्ट्री अगर आप काम करें तो देयर मस्ट बी ग्लव्स, तो ग्लव्स भी वहाँ पे आप पहने हुए हो, तो वो प्रॉपर आपका जो लैब का जो ड्रेस कोड होता है वो आपके पास होना चाहिए।
आपके पास इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिक्स आपके पास प्रॉपर कलर्स होने चाहिए आपको, आप सो दैट आप एक अट्रैक्टिव लेबल वहाँ पे बना दें। आपने जो भी प्रिपरेशन बनाई है उस पे आप एक अट्रैक्टिव तरीके से लेबल बना के चिपका दें, एंड कोशिश करें कि उसको आप अपने कॉपी में पेस्ट करें वो प्रिपरेशन को पॉली बैग में। अगर आप कोई पाउडर बना रहे हैं तो उसको पॉली बैग में रख के उसको पेस्ट भी करें कॉपी पे, चिपकाएं विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप। तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर वाइवा, तो जब आप वाइवा के लिए जाएंगे, व्हेन यू विल गो फॉर वाइवा, तो आप अपना जो लैब का फाइल है वो भी आपको लेके जाना होगा। वो एग्जामिनर भी चेक करते हैं लैब के फाइल को, तो वो आप फाइल लेके जाइएगा अपना नोट, जो आप कांसा शीट है जो आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जाम, वो आप लेके जाइएगा। उसमें जो एम आपने लिखे हैं, जो मेजर माइनर प्रैक्टिकल था, जो सिनॉप्सिस आपने लिखा है, तो वो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो एज एग्जामिनर आपकी कॉपी पे साइन करेंगे, तो वो भी आप एक बार जब आप वाइवा खत्म होने के बाद जब आप रूम से निकले तो आप बार चेक कर लीजिएगा कि एग्जामिनर ने आपकी कॉपी पे साइन किए हैं या नहीं किए हैं, वो आपको जरूर चेक करना है। अटेंडेंस शीट आपको साइन करनी होती है, अटेंडेंस लगती है प्रैक्टिकल की। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आप थ्योरी एग्जाम में भी आपने किया होगा, अटेंडेंस जो कॉपी नंबर है वो फिल करके आपने अटेंडेंस पे साइन किया होगा। सो देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं। तो थ्योरी एग्जाम्स आपके अभी हो रहे हैं, आई होप वो अच्छे जा रहे हों आपके एग्जाम। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पैटर्न ये होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसका, एक्सटर्नल बाहर से आते हैं दूसरे कॉलेज से, वाइवा होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई वीडियो में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ फार्म किशन। And thank you very much for watching this, and thank you for your all love and support. And I will also add this जो मार्क डिवाइड का जो पैटर्न है इस पर AKTU फॉर द बिफोर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो मैं ऐड कर दूंगी इस वीडियो में। इफ यू वॉन्ट देन यू कैन चेक दिस आउट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।